वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ वाई शेयर प्राइस गो अप एंड डाउन। शेयर का जो प्राइस होता है वो अप एंड डाउन क्यों होता है? जैसे कि स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे से शाम को 3:30 बजे तक चलता है, तब तक शेयर मार्केट का जो प्राइस होता है वो अप एंड डाउन होते रहता है। ये प्राइस हमेशा चेंज होते रहता है, तो हमारे मन में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि ये शेयर प्राइस अप एंड डाउन क्यों होता है, क्या रीजन है शेयर प्राइस के अप एंड डाउन होने का। तो सबसे पहला रीजन होता है शेयर के प्राइस के अप एंड डाउन होने का, वो है डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। तो चलिए आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कि देख, एबीसी कोई कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट है, अगर उसका सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, और उसका डिमांड कम है प्रोडक्ट का, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। उसी प्रकार अगर किसी प्रोडक्ट का सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो उसी प्रकार इस प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि शेयर के प्राइस के बढ़ने और घटने का रीजन डिमांड और सप्लाई है। यहाँ पे कितने बायर्स हैं और सेलर्स हैं, स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए ये शेयर के प्राइस को अफेक्ट करता है। दूसरा रीजन है जैसे कि कंपनी अनाउंसमेंट लाइक बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट। जैसे कि कंपनी अनाउंस करती है बोनस और स्टॉक स्प्लिट। ये जो अनाउंसमेंट करती है कंपनी, अगर न्यूज अच्छा है तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और अगर न्यूज अच्छा नहीं है तो शेयर का प्राइस घटेगा। ये जो बोनस होता है ये लोगों को मिलता है, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है कि बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, कंपनी क्या अनाउंस कर रही है, कंपनी का जो अनाउंसमेंट है वो पॉजिटिव अनाउंसमेंट है कि नेगेटिव अनाउंसमेंट है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कंपनी के ऊपर, कंपनी का जो न्यूज होता है वो। उसके बाद में आता है, और दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कितना पैसा है कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब किसी कंपनी के पास कितना पैसा है अभी, फंड अवेलेबल है कि किसी दूसरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, कि कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, कि कंपनी लॉस में चल रहा है। ये सब फैक्टर भी अफेक्ट करता है स्टॉक के प्राइस में अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, मैं कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी अफेक्ट करते हैं शेयर के प्राइस को। कंपनी के रिजल्ट आते हैं एवरी क्वार्टर, जैसे कि हर साल में 4 टाइम्स क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, उसका जो रिजल्ट आएगा वो अप्रैल में आएगा, अप्रैल मई जून का रिजल्ट आएगा जुलाई में आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर का रिजल्ट अक्टूबर में आएगा, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रिजल्ट जनवरी में आएगा। ठीक है, ये क्वार्टरली रिजल्ट भी अफेक्ट करता है स्टॉक के प्राइस को। जब रिजल्ट आता है तब आप रिजल्ट को एनालाइज करें, किसी भी स्टॉक के अगर रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं तो वो स्टॉक ऊपर जा सकता है। अगर कोई स्टॉक का रिजल्ट, जैसे अप्रैल महीने में कोई रिजल्ट आया और वो स्टॉक का रिजल्ट क्या बोलते हैं कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक का प्राइस नीचे जा सकता है। ठीक है, तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट इंडिकेट द हेल्थ ऑफ द कंपनी एंड द प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ऑन द बेस ऑफ क्वार्टरली परफॉर्मेंस। उसके बाद होता है जैसे कि बैलेंस शीट पोजिशन, राइज इन वैल्यूएशन ऑफ एसेट और एनुअल रिपोर्ट। ये दो चीजें भी आपका शेयर के प्राइस के अप एंड डाउन को अफेक्ट करता है। जैसे कि बैलेंस शीट किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। इस स्टेटमेंट में आपको कंपनी के प्रॉफिट या लॉस, एसेट और लायबिलिटी सभी के बारे में जानकारी मिलेगी। ये कंपनी के फाइनेंशियल बैलेंस के बारे में बताता है। यहाँ पे जैसे कि फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। बैलेंस शीट में हम चेक कर सकते हैं कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटीज, कंपनी के एसेट क्या क्या है और कंपनी के लायबिलिटीज क्या क्या है। अगर कंपनी के लायबिलिटी ज्यादा हैं, जैसे कि कंपनी ने कितना लोन लिया है, ये सब देख देख के हमें पता चलता है कि किसी भी स्टॉक का पोजीशन क्या हो सकता है। उसके बाद में आपको बता देता हूँ मार्केट कंपटीशन। मार्केट कंपटीशन में जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट का सेलिंग होता है, तो पहले सबसे पहले तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अमेजन प्रोडक्ट सेल करता था, प्रोडक्ट सेल कर अमेजन के बाद में फ्लिपकार्ट आया, फ्लिपकार्ट के आने के बाद में स्नैपडील आया, जोबंग आया, मंत्रा आया, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कंपनीज आ गई। लेकिन जब स्टार्टिंग में सिर्फ अमेजन था तो मार्केट में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, तो आराम से अपने प्रोडक्ट वो सेल करता था और सभी कोई अमेजन से ही परचेज करते थे। लेकिन अमेजन के आने के बाद फ्लिपकार्ट आया, तो फ्लिपकार्ट के आने के बाद में क्या है कि लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट से परचेज करने लगे, तो फ्लिपकार्ट से परचेज करने लगे। लेकिन उसके बाद धीरे 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 फ्लिपकार्ट के बाद स्नैपडील आ गया, जोबोंग आ गया, मंत्रा आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ गया यहाँ पे।
यहाँ पे एक प्रोडक्ट एक जगह से सेल होता था, लेकिन अब यहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग जगह से सेल होने लगा। तो ये जो सेल होने लगा, जिसकी वजह से बायर्स हैं वो बायर्स भी अलग अलग जगह बढ़ गए। कोई अमेजन से परचेस कर रहा है, कोई फ्लिपकार्ट से परचेस कर रहा है, कोई स्नैपडील। तो यहाँ पे क्या है कि कॉम्पिटिशन बढ़ गया। कॉम्पिटिशन बढ़ने के वजह से भी ये क्या है कि शेयर के प्राइस को और प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पॉलिटिकल न्यूज में आता है, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिकल न्यूज भी अफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में। जैसे कि नेशनल लेवल में जब गवर्नमेंट चेंज होता है इलेक्शन टाइम में, बीजेपी से कांग्रेस हो गया या फिर आम आदमी पार्टी हो गया, तब क्योंकि ये सभी पार्टी का अगर गुड न्यूज है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर बैड न्यूज है तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बैड न्यूज इकोनॉमी में अफेक्ट करता है। इंटरनेशनल लेवल में जैसे कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं इमर्जिंग मार्केट में। इंटरनेशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट तभी करते हैं जब मार्केट अच्छा होता है, ताकि उनको हाई रिटर्न मिल सके। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ड्यू टू जियो पोलिटिकल वार। वार होता है अगर दो कंट्रीज में, तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कम हो जाता है और स्टॉक का प्राइस भी कम होता है। इसके वजह से, क्योंकि वार होने की वजह से कोई भी प्रोडक्ट का सेल नहीं हो पाता दूसरे कंट्री में। अब जब प्रोडक्ट ही सेल नहीं होगा अदर कंट्रीज में, तो यहाँ पे भी क्या है कि आपको जो स्टॉक का जो प्राइस होगा वो कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट सेल होते रहेगा अच्छे से, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल वार नहीं होगा, तो यहाँ पे भी क्या है शेयर जो जो भी स्टॉक का प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस है, वो नॉर्मल चलते रहेगा। उसके बाद में आता है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। बजट अगर सरकार का बजट पॉजिटिव होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। जैसे कि बजट में आपका टैक्सेस हो गया, टैक्सेस कितना लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा किसी भी प्रोडक्ट में, या फिर स्कूल हो गया, मेडिकल सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, तो इन सभी सेक्टर में मतलब कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये बजट कितना इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, ये बजट डिसाइड करता है कि कितना बजट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन सभी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो बजट होता है, ये गवर्नमेंट का बजट पूरे कंट्री के लिए होता है। ठीक है, तो ये बजट भी आपका अफेक्ट करता है आपके शेयर के प्राइस को। अगर बजट किसी प्रोडक्ट में ज्यादा मिल रहा है, किसी सेक्टर में ज्यादा मिल रहा है, तो शायद उसका प्राइस बढ़ जाए। अगर किसी के बजट नहीं मिल रहा है किसी भी सेक्टर में, मान के चल लीजिए कि आईटी सेक्टर में कोई बजट ही नहीं मिल रहा है, आईटी कंपनीज को और बढ़ाना है, प्रोडक्ट आईटी के कंपनीज को और बढ़ाना है इंडिया में, तो उसके लिए बजट ही नहीं मिलेगा, तो आईटी कंपनीज आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो आईटी के जो शेयर प्राइस होता है वो नीचे चले जाएगा। उसके बाद आता है एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कितना हो रहा है इंडिया में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने से इंडिया में ज्यादा कंपनी आएगी और ज्यादा नौकरी भी मिलेगा। न्यू कंपनी में इन्वेस्टमेंट और पुराने कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से भी किसी प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई अफेक्ट करता है प्राइस को, जिसकी वजह से शेयर के प्राइस भी चेंज होते हैं। इसके बाद में जैसे कि आपका आरबीआई पॉलिसी हो गया, आपका गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, मतलब लाइसेंस हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस बैन, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में टैक्सेस बढ़ रहा है कि घट रहा है, कि आपको जो जो टैक्सेस लगता था वो बैन हो गया, टैक्सेस में कितना कितना चेंजेस हो रहा है, टैक्सेस में अगर बढ़ गया किसी प्रोडक्ट में टैक्सेस, या किसी प्रोडक्ट में टैक्सेस कम हो गया है, तो ये सभी चीजें क्या है कि आपके शेयर के प्राइस को भी अफेक्ट करती है। इसके बाद वर्ल्ड मार्केट भी इंडियन स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने दिया हुआ है 10 लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक हो गया, टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, लंदन, ये सभी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन हम यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, यूएस मार्केट पर ज्यादा फोकस करते हैं और ऑब्जर्व, और हमें क्या है ना, इन तीनों मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए एबीसी कंपनी है कि जो कि यूएस की कंपनी है, उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया बहुत सारी कंपनी में और स्टार्टअप किया है न्यू कंपनी इंडिया में, लेकिन अगर इन्होंने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है इंडिया में, अगर वो लॉस में चले जाए, तो जो यूएस की एबीसी कंपनी है उसको भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी लॉस में जाएगी। ठीक है, वैसे ही इंडियन कंपनी ने भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और नए कंपनी अदर कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूरोप में किया है। अगर वो कंपनी लॉस में जाएगी जाती है जैसे कि यूएसए और यूरोप में, तो उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी पड़ेगा। तो आई थिंक मुझे इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि शेयर मार्केट के प्राइस का जो अप एंड डाउन होने का क्या रीजन है।
ठीक है, आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।